आज मेरी बर्थडे है और मुझे किसी ने विश नहीं किया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर भाई टॉय, हैप्पी बर्थडे टू यू। कहाँ आ जाएगी तुम, मुझे बर्थडे विश करने वाली आई? भाई आप क्या पंजाबी में बात कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती आज आपको बर्थडे विश करने है तो आप मुझे आगे से दबा रहे हैं, उर्दू में बात करें, कम ऑन। जी तेरा मेरे लाल, हैप्पी बर्थडे टू यू, सालगिरह मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, तो जियो हजारों साल। तू कैसा है? हाँ कहाँ की सालगिरह अम्मा, ना मेरे बर्थडे पे कोई गिफ्ट है, ना कोई केक है, ये कोई सालगिरह होती है, ये कोई बर्थडे होती है? चलो मॉम, आज उसके लिए केक बनाते हैं और उसको सरप्राइज गिफ्ट भी देंगे, ओके? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अपने बेटे के लिए केक बहुत मजेदार बनाऊंगी, बहुत डिलीशियस बनाऊंगी, देखना तो सही। चल देखने आ, देखता हूँ मैं कैसे बनाती हैं। मैंने तुम्हें हजार दफा कहा है कि उर्दू बोला करो, पंजाबी क्यों बोलते हो? हाँ टॉय, तुम्हें चाहिए कि तुम्हें पंजाबी में बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें उर्दू में बात करनी चाहिए। उर्दू में जरा बंदा महज़ब लगता है, पंजाबी में तो बंदा सा अजीब सा लगता है ना। आप एटिकेट सीखो बेटा। चलो अब ऐसा करो, अब तुम अपने रूम में जाओ और मैं तुम्हें नाश्ता भी बना कर देती हूँ, ठीक है ना? और फिर शाम में तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, केक भी बनाना है, तो अभी तुम जाओ और फिर जो है ना मैं तुम्हें केक तुम्हारा बना के दूंगी, ठीक है? ओके खुश। देखो बेटा अब आपको मज़ा आया है, मैंने आपके लिए केक भी सेलिब्रेट किया और सबसे बढ़कर समोसे और चाय भी मंगवाया हमने, देखो ना रेस्टोरेंट में बैठ के। तो मैंने घर में केक बनाकर तो मैं साथ ले आई थी, तो हमने रेस्टोरेंट में बैठ के खाया, बहुत मज़ा आया। आप आर यू हैप्पी? जी मामा अब मैं हैप्पी हूँ, अब मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू मॉम। उसकी दफा तो केक बना के उसको रेस्टोरेंट में लेकर आ गई है और उसको आपने चाय और समोसे भी खिला दिए और मेरी दफा रेस्टोरेंट में बैठ के मेरी इतनी बिस्ती करी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? कहाँ चल तेरा बकानी आलाज, मेरे कहने का मतलब है कि घर चल तेरा आलाज करती हूँ मैं। अंदर करो ये सब मजाक, रेस्टोरेंट में बैठ के सबके सामने बिस्ती करा रही है मेरी लड़की के मुंह पे थप्पड़ मार दिया, ऐसा क्या किया उसने जो तुमने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया हैं? माफ कर दीजिए, आइंदा नहीं मैं कभी मारूंगी, वो दरअसल मैं गुस्से में आ गई थी, सॉरी। माफ तो मैं कर देता हूँ लेकिन बच्ची का मुंह देखो किस तरह का हो चुका है। देखिए मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी और उसको मैं मना लूंगी, ठीक है? ठीक है अब की दफा तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ लेकिन तुम मेरी ये बात समझो कि बेटियों पर कभी हाथ नहीं उठाते, तो कभी भी ऐसा नहीं करते कि बच्चियों पर हाथ उठाए, ठीक है? आइंदा ऐसा ना करना।